अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद ज़रकुल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रमज़ान की तैयारी कैसे करें। जैसे कि हम सबको मालूम है, रमज़ान की आमद आमद है। रमज़ान का महीना, रमज़ान रहमत का महीना है। रमज़ान मोहब्बतों का सफ़ीर है। रमज़ान रहमतों की सबील है। रमज़ान के आते ही शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। रमज़ान के आते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, नेकियों की रग़बत बढ़ा दी जाती है। रमज़ान का मौसम इंसानों के लिए किस कदर खैर व भलाई वाला है। रमज़ान रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम की आग से आज़ादी का पैगाम लेकर आता है। रमज़ान की आमद इंसानों के दिलों में नेकियों का शौक जगा देती है। मोहब्बतों के बुलावे बढ़ जाते हैं। रमज़ान तुम आ जाओ कि हम अपने रब की खातिर भूख को चखें। रमज़ान तुम आ जाओ कि हम अपने रब की खातिर प्यास को बर्दाश्त करने की लज्जत पाएं। रमज़ान की तैयारी कैसे करें। रमज़ान बरकत वाला और भलाइयों वाला महीना है। जो इस महीने में बरकत से महरूम रहता है, वो हर नेमत से महरूम रहता है। अस्तग़फिरुल्लाह। रमज़ान की भलाइयों और उसकी खैर और बरकत को समेटने के लिए रमज़ान से पहले तैयारी करने की ज़रूरत है। इस महीने में कौन कौन से काम करने हैं। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करनी है, कयामुल लैल करना है और कयामुल लैल में कुरान हकीम सुनना है। रमज़ान में दौरे कुरान सुनना है इंशाल्लाह। अभी आप लोग नियत कर लें ताकि अल्लाह ताला हमसे ये काम करवाएं। इस महीने में कसरत से दुआएं करनी है। इस महीने में कसरत से अज़कार करने हैं। इस महीने में खैर और बरकत के लिए जैसे ख़ुद मसरूफ़ो अमल रहना है, ऐसे ही दूसरों को भी तलकीन करनी है इंशाल्लाह। इस महीने में रोज़े अफ्तार करवाने हैं। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है तो उम्रा भी करना है। इस महीने में कसरत से सदका और खैरात करना है इंशाल्लाह। हम रमज़ान आने से पहले ही उसकी तैयारी कर देंगे और जैसे ही रमज़ान आएगा हम सारे नेक अमल करेंगे इंशाल्लाह। दुआ करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। सल्ले अला